मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि पेट हो या फिर स्ट्रीट डॉग हो, दोनों के अंदर लाइफ है और आपको अनबायस होके दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा बच्चा कैमरे में क्या देख रहा है? है कैमरे में क्या? पापा ही है। पापा ये क्या कर रहे हो? उसके ऊपर कहाँ चढ़ रहा तू? कोई तेरी सवारी है वो? देखना कैसे देख। हाथ पांव दबा के देख, कान देख, पहले इसके कान देख, कहीं काटा मुंह में देख, गर्दन को चौथ तरफ कर। राहुल ये देखो यहीं पे लड़ाई हुई थी, ये लोग फिर यहीं पहुंच गए हैं। ये वही स्पॉट है गाइस जहाँ पे लड़ाई हुई थी। इन चीजों की ग्रिपिंग में ना बब्जी का ज्यादा अच्छी ग्रिप है ना। बॉल ये पकड़ ले तो छुड़वा नहीं सकते, लेकिन भागने में बोला फास्ट। सुजुई की ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे रात सर से, और ये देखो ये बीच में आ गया ना, इसको डिस्टर्ब। पापा हाँ दे दो, थैंक यू। क्या जोई जोई करी जा रहा है, क्या हुआ? जोई तो ट्रेनिंग कर रही है ना, तो और यहाँ मेरा शैतान मास्टर जेजू कोहली पूरे दो दिन लगा के आया नानी के घर पे, और आते ही इन दोनों ने तानियां शुरू कर दी हैं। जे पापा आ गए बेटा। पापा हाँ पापा पापा फिनिश हो गई है शिवाय, पापा आएंगे, पापा लेके देंगे। पापा हमें जो इनको खाना नहीं खिलाना जेजू, पापा ही खाना। पापा आ रहे हैं, मानना नहीं। और ये दोनों आते नानी के घर से दो रात लगा के आया तो है। मेरा बच्चा कैमरे में क्या देख रहा है? है कैमरे में क्या? पापा ही पापा आ रहे हैं। पापा कैमरे में से थोड़ी निकलेंगे। पापा क्या कर रहे दोनों? बेटा देखो मजा आता है, इंजेक्शन लगवाएगा, इंजेक्शन तेरे को। जोई नो जोई भैया 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 का आइसक्रीम में डंडा। जोई नो अरे काट नहीं, दांत गलती से लग जाएगा फिर इंजेक्शन लगवाने पे। जोए जे क्या कर रहे हो? उसके ऊपर कहाँ चढ़ रहा तू? कोई तेरी सवारी है वो? है ये देखो क्या करने की कोशिश कर रहे बेटा। साइकिल नहीं है वो, जोई है। नो जोई खुश हो गई है। जोई भी ना उदास बैठी हुई थी दो दिन से कि कहाँ है मेरा भाई। जे उसे निकाल, सिट। जे गंदी बात दीदी है ना छोटी, जोई दीदी है ना आपकी सिस्टर है ना। निर्मा से नहा के आया जेजू, गोरा क्यों लग रहा है इतना? जे गंदी बात, नो गंदी बात, काटी खाएगी फिर वो तेरी। जोई तो गाइस ये बदतमीज लड़के सुबह सुबह कुरकुरे खा रहे हैं और अपना ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं। ये देखो ये कौन लेके आया है कुरकुरे का पैकेट? ये ही लेके आया है जी ना, और कह रहा है ओपन ओपन कह रहा है। हाँ, कह रहा है ओपन, ये ले तू भी ले। एक एक कुरकुरा लेके जाते हैं, सिर्फ एक एक। तुम दिन भर यही काम करोगे, इसमें तो कम से कम 100 कुरकुरे होंगे। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, बस ब्रेकफास्ट मिले मैं जाऊँ। ये किसको चाहिए? सोई भी आ गई है, कह रही मुझे भी चाहिए। जेजू सोई कहाँ है? जोई, ए जोई को खाना खिलाया था आपने? ओए रबर खा रही है, पकड़ उससे मुझसे। उसने खुद ही हटा ली है, शिब्बू लेकर आता है रबड़ वबड़। हाय गाइस, सो ऑफिस के अंदर ये सीन है कि ये देखो रॉक्सी लेटी हुई है, उधर बब्जी और लेडी ऑली लेटी हुई है, और ये भी मेरे हाथ में जोई। ये देखो ये दोनों आ गए ठंडे। बाहर जाना, नो उसके ऊपर नहीं। क्या हो रहा है? फुल हाउस हो रहा है, मैं तो नहा के आई हूँ, कपड़े वही डाल लिए, सुबह से काम कर रही थी, अब उठी। चलो बहुत भूख लग रही है मम्मी मुझे बहुत तेज। मैं बता बेटा क्या बनाऊंगी? मुझे नहीं पता क्या इस टाइम क्या बनाऊंगी, मेरे को तो इस टाइम कोई रेडीमेड चाहिए खाने को। तुम खा लो ना मटर आलू, एक रोटी बनवा लो। मैं नहीं खा सकता मटर आलू, मुझे रोटी नहीं खानी, मेरे खुजली हो रही है बॉडी पे वीट से। हीट से खुजली? सुन वीट से खुजली, वीट से गेहूं। आज मैं तो ये भी ला रही है, तेरी मम्मी ने दे रही है। 3 बजे पहुंच ला तो रही है ना। एक बड़ा सा परांठा बना दो। किस चीज का बनाओगे?
सिंपल किस चीज का? नमक मिर्च का। नमक मिर्च का लगाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना साथ में। तू क्या कर रहा है यहाँ पे चप्पल अंदर पहन के? आइसक्रीम नहीं है यहाँ पे, चलो बंद करो। फिनिश हो गई आइसक्रीम? आपको मना कर रहा हूँ। बाय बंद करो इसे। शिवायगी ना, मैंने सेंटर की क्लासेस स्पीच वाली बढ़ा दी हैं क्योंकि फिर हम चले जाएंगे तो 15 दिन इसकी क्लासेस मिस हो जाएंगी, तो अब मैंने अल्टरनेट की जगह इसकी रेगुलर करा दी। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू ही करेगी, मेरी हिम्मत बस है। मैं छोड़ने जा रही हूँ। वो बच्चे की हालत बचती क्या है उसके बाद? कोई नहीं, तो करना तो है ही ना। वो 15 दिन में बोल पड़ेगा तुझे इतनी ना जल्दी? बोले, लेकिन बिहेवियर तो कंट्रोल करना ही है ना, उसकी भी तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी तो चल रही है ना साथ में। ठीक है, ट्रैवलिंग में तो सारी जिंदगी निकल गई इनकी, अभी तो स्कूल भी नहीं शुरू हुए ढंग से। देखो ना, बच्चे बच्चे तो होते हैं, उसकी नीड है तो है, ठीक है ना। एक तो करा लो, फिर दूसरी देखो, उसमें जान है तो बिठाओ उसको सेकंड क्लास की। उन्होंने क्या इससे कुछ करवाना होता है? मुंह से फुटवाना ही तो है। अब ये खुद फूट ले तो हमें जरूरत पड़ी है इसके ऊपर महीने के 3,000 रुपये खर्चने की? गाइज, ये है अटैक का नेक्स्ट डे, और जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम लोग चंपा को 2 बार चेक कर चुके हैं, लेकिन अपनी मॉरल ड्यूटी निभाते हुए हम फिर से उसको एक बार याद चेक कर रहे हैं, और उससे थोड़ा प्यार भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ उसको चाहे चोट लगी हो चाहे ना लगी हो, दर्द तो उसको भी हो रहा होगा और उसको भी प्यार की ज़रूरत है, तो हम वही करने जा रहे हैं। तो मनीष, ज़रा तू देख कर आ। चंपा ठीक हो आप? इसकी बॉडी चेक कर, कहीं दर्द तो नहीं है? क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही है? हैं? डॉक्टर काम कर, पहले काम कर, सुन। काम हो गई है। इसका कोट कितना सुंदर है यार, देखना कैसे। हाथ पांव दबा के देख, कान देख, पहले इसके कान देख कहीं काटा, मुंह पे देख, गर्दन को चारों तरफ कर। ओए बब्जी, शीशा तोड़ने वाला है ऊपर का। तुम्हें ऊपर से देख रहे ना कि तुम चंपा के साथ प्यार कर रहे हो। वो शीशा तोड़ने वाला है, वो देख ऊपर का बालकनी का। इसके ना इस साइड में देखो दर्द है, खड़ा कर इसे। ये देख रही है, ये ये स्वेलिंग है। स्वेलिंग है? नहीं 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 नहीं, पर ये तो वैसे भी हो सकती है ना, ये पूरे दिन स्ट्रीट पे रह सकती है। अभी ये देखो कहीं काटा तो नहीं ना? क्या पता तुमसे मेरे से बब्जी की फ्रेग्रेंस आ रही है, औला की फ्रेग्रेंस। वैसे भी डरी हुई है, ठीक है, कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया ना पट्टा बांध के उसको। प्रिकॉशनरी पेन किलर दे दे इसको, जो हमें औला बब्जी की मिली है। पेन किलर दे देते हैं, ठीक है, बाकी तो बिल्कुल ठीक है। तू बता, सारे सारे कोर्स चेक कर लिया तूने? कहीं कटा तो नहीं है? चलने में भी तेज भाग रही है ये, एक्टिविटी पूरी है इसकी। खाना पीना भी खा रही है, मैंने सुबह देखा था ये खा रही। पेन अब बहुत रीजन से हो सकती है ना, क्योंकि रोड पे भी तो रहती है, कई बार व्हीकल से इधर उधर कोई मार जाता है धक्का। ये वो देख, ऊपर से औला देख रही है भाई। ओ भाई, वो औला देख रही है। हाँ भाई साहब, औला देख कितनी बड़ी डिटेक्टिव है, उसने देख लिया कि मेरी लड़ाई जिससे हुई है और तुम उसको ना प्यार कर रहे हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ जरा जल्दी, ये देखो औला। अबे औला, ये बड़े गुस्से में है, देखना कैसे मनीष को बिता रही है। अंडे खाएगी? अंडे चंपा की पूरी वेरिफिकेशन हो गई है, 3 बार हमने चेक कर लिया। तो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था जो आपने व्लॉग में और हमारे शॉर्ट्स में देख लिया होगा, बब्जी और लेडी ऑली की लड़ाई हुई थी चंपा से। कभी भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा इवेंट हो, पेट की लड़ाई होती है, पेट स्ट्रीट डॉग्स की लड़ाई होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रोसेस है हमारी कंट्री के अंदर जहाँ पे इतने सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं। तो कभी भी ऐसा हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने देखना है कहाँ काटा है, उसके बाद दोनों पार्टीज़ को आपने देख लिया, उनको एंटी रेबीज लगाई है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग की कोई हिस्ट्री नहीं है हमारे साथ, तो हमें उनको एंटी रेबीज लगाना पड़ेगा। इवन मेरे डॉग भी वैक्सीनेटेड हैं दोनों रॉटवाइलर्स, हम फिर भी उनको एंटी रेबीज की वैक्सीनेशन, और जो जो उनको पेन किलर्स चाहिए एक वेट के पास जाइए, और जो जो लोग इसके ऊपर ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसा आपने कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। तो मेरा फर्स्ट स्टेप ये था कि जब ये तीनों लड़ रहे थे तो मैंने इन तीनों को अलग किया, और फिर जाके मैंने देखा किसको क्या जरूरत है, किसको क्या लगी है। तो कभी भी अगर आपके साथ ऐसा हो, आपका पेट डॉग किसी को अटैक कर दे, इन टर्म्स ऑफ पेट या स्ट्रीट,
तो आपको हमेशा ही दोनों पार्टियों को देख, मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि पेट हो या फिर स्ट्रीट डॉग हो, दोनों के अंदर लाइफ है और आपको अनबायस होके दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। बब्जी और लेडी ऑली को हम लेके आ रहे हैं बालकनी से दोबारा पार्क के अंदर और दोनों बहुत ज़्यादा सड़े हुए हैं क्योंकि अभी अभी हमने चंपा को चेक किया। शुक्र है चमेली नहीं है। चंपा चमेली मतलब चंपा मदर है और चमेली उसकी डॉटर है। चमेली नहीं है, चंपा को भी हमने साइड कर दिया पार्क। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली दोबारा कोई ऐसा इवेंट ना हो। तो गाइस मैं आ गई हूँ पार्क के अंदर। राहुल गए हैं लेने बब्जी और ओला को और हमने अच्छे से पार्क को चेक कर लिया है और ये देखिए आप, पार्क बिल्कुल खाली है। चंपा बाहर है, चमेली बाहर है, कोई पेट डॉग भी नहीं है, किसी का कोई बच्चा बूढ़ा कोई भी नहीं। तो आ गए हैं बब्जी और लेडी ओली और ये गई है भाग के वापस उसी वॉर जोन में जहाँ पे पिछली बार लड़ाई हुई थी और ये सूंघ रही है यहाँ पे कि चंपा है कि नहीं। बब्जी क्या देखने गया, ये बर्ड के पीछे जा रहे। पार्क को लॉक कर दो। कर दिया लॉक। वेरी गुड। बब्जी आते ही फ्री हो गए। वही लड़ाई हुई थी राहुल। राहुल ये देखो यहीं पे लड़ाई हुई थी, ये लोग फिर यहीं पहुंच गए हैं। ये वही स्पॉट है गाइस जहाँ पे लड़ाई हुई थी और ये सूंघ रहे हैं ना यहाँ पे चंपा को। ये बदला लेने आए हैं दोनों के दोनों वापस। ये घायल क्या बोलते सिपाही, घायल सिपाही अभी भी नहीं सूख रहे। क्या कर रहे हो तुम? ये देखो ये दोनों फिर मस्ती। पता है बॉल के गेम्स में बब्जी अच्छा है लेकिन इन सब चीजों में बब्जी की ना ग्रिपिंग पावर, मतलब बॉल ही अच्छी है बॉल में, इन चीजों की ग्रिपिंग में ना बब्जी का ज्यादा अच्छी ग्रिप है ना। बॉल ये पकड़ ले तो छुड़वा नहीं सकते लेकिन भागने में ओला फास्ट है। और आला ले गई भाई, तोड़ के ले गई। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर है ना। दोपहर के बज गए हैं 3 और यहाँ मन्नी बना रही है खाना, मन्नी बना रही है रोटियाँ और साथ में हम खाएंगे राजमा। 100 साल बाद रोटी बना रही हूँ। कितना टाइम? अभी तो बनाई है तूने पिछले थोड़े दिन पहले। मैं रोटी नहीं बनाती खुद। हाँ मैं सब्जी बनाती बस, रोटी तो कोई ना। मैं हम रोटी खाते गए, आज कुछ है नहीं तो हम रोटी खा रहे हैं। नहीं तो हम फुलके देखो मन्नी के, छोटे छोटे से क्यूट से फुलके बनते हैं हमेशा। ये ऐसे छोटे फुलके तो मैं 3-4 खा जाऊंगा, तो इसीलिए मैं बनाती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी रोटी छुड़वा रही, तुम्हें चावल खिलाती हूँ ताकि मुझे काम को करना। आज कुछ था नहीं तो मेरे। सो जोई की ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे राज सर से और ये देखो ये बीच में आ गया ना, इसको डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों डिस्टर्ब कर रहा है तू? जाए यहाँ से, आओ जाए यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ दोनों। पापा? हाँ पापा आ रहे हैं अभी। तुझे क्या करना है? उसकी ट्रेनिंग चल रही है, तुझे क्या करना है बीच में? ऑली नहीं है वो, जोई है। ये दादी को ना जबरदस्ती खींच के लेके आ रहा है। अम्मा अंदर बैठ लो, उधर चले जाओ। मेरे को यहाँ धक्का देते हैं, बैठो इधर। क्या कह रहा? जोई की ट्रेनिंग तो होने दे, तू क्या बोली जा रहा है बीच में? ये दोनों ना स्पेक्टेटर बन गए हैं। हाँ यस वो नहीं खाएगी, इधर दे चल पापा। हाँ दे दो, थैंक यू। दादू को भी खिला के आना। दादू को बुला रहा, वो रे दादू। ओके कम डाउन। इन दोनों को बड़ा मजा आ रहा है उसकी ट्रेनिंग देखते हुए, है ना? मेरे को पता चला है। दे दादी क्या दे रही है? अब बस करे, बहुत खाता है। क्या कह रहा? क्या जोई जोई करी जा रहा है? क्या हुआ? जोई तो ट्रेनिंग कर रही है ना, तो आप भी तो सीखते हो ना स्कूल जाके, हैं? अभी ये स्कूल गया ही नहीं है मम्मी। तो गाइस मैं रात को आया था इनको खाना देने। कल का ब्लॉग आपने देख लिया है तो लेडी ऑली को काफी चोट लग गई है, तो लेडी ऑली को लगाने के लिए ये दिए हैं आई ड्रॉप्स, साथ में पेन किलर और एक और आई ड्रॉप्स हैं जो हम सुबह देंगे। तो और एक एंटीबायोटिक ऐसी है जो सुपरफिशली इसकी बॉडी पे लगेगी, तो अभी मैं इसको आई ड्रॉप्स डाल देता हूँ
ठीक है, रात के, और एक पेन किलर देता हूँ, और साथ में मैं इनका खाना लेके आया हूँ रात का। इसके बाद इनको लेके चलेंगे वॉक पे। लेडी वाली की शक्ल देखो, आँख तो फिर भी अब बेटर हो गई है थोड़ी सी। तो ये एक दवाई पेन किलर मैं इसमें डाल दूंगा और ऊपर से डाल दूंगा खाना। तो ये दवाई जा चुकी है। और ऐसे करके मैं इसको खिला दूंगा। ये देखो दोनों, हाँ मिल रहा है खाना, वेट करो। रात के बज गए हैं 10:30-11:30। बब्जी और लेडी ऑली पार्क के अंदर है। पार्क का गेट हमने कर दिया है लॉक, और चंपा भी खुश है, चमेली भी खुश है। तो ये वो कौन है? ये चमेली बैठी हुई है। ठीक है, पीछे चंपा भी गई है। माँ का प्यार है अपनी बेटी के लिए। ठीक है, चंपा तो चंपा चमेली को आपने देख लिया, ये दोनों खुश हैं। बब्जी लेडी ओला दोनों ठीक है। हो फ्री है बब्बा, फ्री हो आया है। आ गई चमेली, आ गई अपनी माँ का बदला लेने। चमेली ओला इनको पीछे कर लो, फिर लड़ाई करेंगे दोनों। चमेली अपनी मम्मी का बदला लेने आई है। चमेली इससे मिलो, ये है चमेली। ये डर गई, क्या हो गया? चंपा भाग गई। चंपा पता नहीं क्यों भाग जाती है। और यहाँ ये रहा बब्जी, वो रही लेडी ओली, अंदर से आवाजें दे रही है जोई। हाँ, जोई ओली के लिए ना वो कर रही है। देखो बब्जी की शक्ल बिल्कुल ठीक हो गई है, ये जो छोटी मोटी चोट है ये तो लगी रहेगी, पर इवेंचुअली धीरे धीरे शेर बहादुर बच्चा दोबारा अकड़ने लग गया। और वो देखो ओली को, ओली की आंख फाइनली ठीक हो गई है। ओला ओला इतनी सिट, बिठा इसे जरा। ओला सिट डाउन बेटी, सिट, गुड गर्ल, सिट। तो ओला की आंख भी ठीक हो गई है, ये देखो आप। तो फाइनली दोनों बच्चे बिल्कुल हेल्दी हैं, और चमेली अपना एरिया उधर से माफ कर दिया। ये कह रही थी ये लोग जितनी जल्दी ठीक हो जाए, शैतानियां फिर से शुरू हो गई हैं इनकी, है ना। तो कहते हैं ना कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, ये मुहावरा बिल्कुल सच है। तो गाइस इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। शिवाय बहुत रो रहा है, उसको नींद आई हुई है, तो मुझे उसको सुलाने जाना है। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में, और तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और कमेंट सेक्शन में बताओ और कोई सुझाव, कोई कमेंट आपने करना हो, कुछ बताना हो, कोई मैसेज देना हो हमारे लिए, कोई क्वेश्चन हो वो भी डालना बीच में। मिलते हैं कल।